हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। और जैसा कि आप लोगों ने पीछे ताल देख लिया होगा, आज का व्लॉग थोड़ा अलग है। आज का व्लॉग ट्रैवल व्लॉग है। लास्ट वीक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसका रीजन ये है कि अभी मेरे एक बेस्ट फ्रेंड की शादी को अटेंड करने के लिए मुझे आना पड़ा उत्तराखंड। वर्कलोड था और उसके बाद मुझे यहाँ पे भी आना था, तो बहुत ज्यादा बिजी हो गया था और वीडियो ना बना पाया ना एडिट कर पाया, तो इसलिए आई एम रियली सॉरी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को नैनीताल घुमा के लाते हैं, इसलिए आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ सीधे नैनीताल। और अभी हम लोग ठंडी सड़क पे रुके हुए हैं। आज का प्लान ये है कि हम लोग यहाँ पे दिन भर घूमेंगे आपको। आज हम थोड़ी नई नई जगह यहाँ पे लेके जाएंगे, कहाँ कहाँ आप में घूम सकते हो वो थोड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यार सुबह के तकरीबन 8 बजने वाले हैं और पुनीत का सुबह से 3 बार कॉल आ चुका है, बिकॉज वो मेरा वेट कर रहा है आनंद विहार ISBT बस स्टैंड पे, बिकॉज मैं हमेशा की तरह थोड़ा सा लेट हूँ, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा लेट हूँ। कोई नहीं, मना लेंगे दोस्त अपना। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नैनीताल जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ से बस ले सकते हैं। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें लगी हुई हैं और प्लस इनकी आप ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं UTC की वेबसाइट से। भाई साहब उत्तराखंड लेंगे। अरे यार भाई कैसा है। हमारे दोस्त भरत की शादी निपटाने के बाद हम लोग आ गए हैं हल्द्वानी से सीधे नैनीताल। सो गाइस, अभी हम लोग माल रोड में घूम रहे हैं और ये मेरा फ्रेंड है पुनीत, जो अभी राइड कर रहा है बसर RS 200। अपन लोग तो कॉलेज से डेली पहुंच जाते थे, आज काफी टाइम बाद आए, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ की हवा में कुछ और मजा है यार। अगर आप लोग वीकेंड में आएंगे तो आपको जरूर बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग टू व्हीलर यूज करें, आई थिंक रेंट पे भी मिल जाता है। अगर आप लोग टू व्हीलर यूज करेंगे तो आप लोग इस ट्रैफिक से जो आप देख सकते हैं बच सकते हैं। फोर व्हीलर में एक्चुअली काफी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक है। अगर आप लोग माल रोड में एंट्री करते हो, अगर आपका फोर व्हीलर है तो आपकी एंट्री फीस भी लगती है, अगर आप टू व्हीलर में आते हो तो आपकी वो एंट्री फीस बच जाती है। सो गाइस, केव गार्डन जाने के लिए सीधा सीधा रास्ता है, ओ माय गॉड, चेक बार जस्ट बिहाइंड मी। सो गाइस, केव गार्डन जाने के लिए सीधे सीधे रास्ता है, आप लोग माल रोड से सीधे सीधे जा सकते हैं स्टेडियम की तरफ, स्टेडियम से सीधे सीधे रोड जा सकते हो। गाइस जैसा कि आप मेरे लेफ्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पे नैनीताल का स्टेडियम है और काफी सही यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स वगैरह होते रहते हैं। रुक जा भाई, रुक जा। आप देख ही रहे होंगे कितना ट्रैफिक यहाँ पे होता है। सड़कें काफी छोटी है और लोगों की गाड़ियाँ काफी बड़ी है, तो जगह बहुत कम होती है। बेसिकली जो स्टेडियम है वहाँ से सीधे ऊपर रोड आ जाती है, उस रोड से सीधा आ जाइए और ये रोड सीधे केव गार्डन की तरफ जाती है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं केव गार्डन और त्रिपाठी जी यहाँ पर छोले का आनंद ले रहे हैं, छोले और चने का, जो बनाते भी भाई तो है ही नहीं, बनाते भी खुद ही और बेचते भी खुद ही। ये है टाइगर केव, ये एंट्री आएगा सी एस और इधर से एग्जिट है। गुड सर, बचाते हुए प्लीज। काफी जबरदस्त गुफा है। हाँ जी भैया, हिमांशु ब्लॉग्स, बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए आप। VLOGS, यहाँ पे एक सेल्फी लेने का अलग ही मजा है। गुफा काफी अच्छी है यार, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार गुफा। ये भाई मेरा रामनगर से घूमने आया है, कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा, थक भी बहुत गए हैं। थक भी बहुत गए हैं। कितने दिन का ट्रिप है आपका? आज ही आज का है? आज सुबह आए हैं। आज सुबह है, कहाँ कहाँ घूम लिया? अभी यहाँ पे, अभी झील पे घूमे, झील पे और अब केव गार्डन पे। चलो भैया, ओ माई गॉड। एक अलग एक्सपीरियंस है, स्पोर्ट्स शूज जरूर पहन के आए। एक पड़ाव हमने पार कर लिया गुफा का, अब यहाँ से दो रास्ते हैं, एक है एग्जिट के लिए और एक दूसरी गुफा के लिए। अगर आप लोगों को ये गुफा पसंद नहीं है तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से आप सीधे आ सकते हो। तो ये एग्जिट के लिए रास्ता है, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो ट्रैक तो आप एग्जिट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से एक पैंथर गुफा, यहाँ से अगली गुफा स्टार्ट हो रही है। हाँ सांस थोड़ी चरी हुई है बिकॉज काफी उतार चढ़ाव हो रहा है भाई, तगड़ा। आज मेरे कैमरे का लोलाइट टेस्ट भी हो रहा है यहाँ पे, लोलाइट एक अच्छी वीडियो कैप्चर कर रहा है। अरे पड़ रहा है, मुश्किल भी बहुत पड़ रही है। क्या पड़ रही है? मुश्किल भी बढ़ रही है। तो बोला मुश्किल भी और आ जाएगा, एक दांत टूटा हुआ है ना, रो मिस हो जा रहा है।
मेरी फट रही है आप जाओ पहले। कहता है मेरी फट रही है आप जाओ पहले। तो गाइस रास्ता बहुत टफ है, जल्दी जाना।